अधीक्षक बाड़मेर के पास सोर्स इन्फॉर्मेशन थी कि इस प्रकार से एक गैंग है जो लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और ये झारखंड से बड़ी मात्रा में डोडा चोरा मादक पदार्थों को परिवहन करती है और फिर इस क्षेत्र में आकर के उसका विचरण करती है। इस सूचना के ऊपर पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया और उस टीम को जो है मुताबिक सोर्स इन्फॉर्मेशन के इसको वहाँ पर भेजा। वहाँ इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन को डेवलप किया, डेवलप करके और फिर उसका पूरा फॉलोअप चलता रहा और अल्टीमेटली जो है कल इन्होंने रात्रि में इस ट्रोले को पकड़ा और इसके अंदर जो है ये 44 क्विंटल मादक पदार्थ डोडा चूरा इसमें बरामद किया और दो आरोपी हैं उनको इसमें हमने 10 दिया जिनसे 33 किया। सर, चुनाव का समय है, ये सप्लाई कहाँ होना था, इसके बारे में मतलब कुछ जानकारी। अभी तो ये है कि सप्लाई के लिए तो क्या है कि जिस प्रकार से ये जो अपना बाड़मेर जिला है, जालौर जिला है, कहीं पर भी ये इसकी सप्लाई करते। अब इसमें अनुसंधान का विषय है कि आरोपी से पुलिस अधीक्षक का रिमांड लिया जाता है तो उनसे गहन पूछताछ किया जाएगा कि किस प्रकार से इस बड़ी मात्रा का ये समायोजन करते, कहाँ पे इसका वितरण करते और आगे इनकी क्या कड़ियाँ हैं जिनके माध्यम से ये इतनी बड़ी मात्रा में जो मादक पदार्थ मिला है इसका वितरण करते हैं, वो अनुसंधान का विषय है। जोधपुर रेंज में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इसको लेकर वो पुलिस अधिकारियों को या कर्मचारियों को लेकर परेशान के संबंध में किस तरीके का कार्रवाई होती है। ये देखिए कि ये जो मुख्य जो आरोपी है इसमें, ये वाहन चोरी में पहले लिप्त रहा हुआ है और इसके ऊपर जैसलमेर जिला द्वारा 5,000 का इनाम घोषित था, बाड़मेर द्वारा इसके ऊपर 5,000 का इनाम घोषित था, बालोतरा द्वारा इसके ऊपर 2,000 का इनाम घोषित था। और जब इसकी वाहन चोरी के साथ साथ जब ये देखा कि वाहन चोरी के बाद में हो सकता है दूसरे अपराधों में भी लिप्त हो, जैसा कि आपने देखा कि पिछले लगभग 8-10 महीने से हमारी जो जोधपुर रेंज पुलिस के जो सभी अधिकारीगण हैं टीम स्पिरिट से इस काम में लगे हुए हैं और हर अपराधी के रिकॉर्ड को डीपली देख करके उसके पूरे लिंक्स के ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं। इसी दरमियान ये पता चला कि भाई ये वाहन चोरी के साथ साथ मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और उसको डेवलप करते हुए फिर ये सारा हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि जोधपुर रेंज की सबसे बड़ी सीजर है। जोधपुर रेंज का अब तक का ये सबसे बड़ा सीजर है। इसके पहले मुझे कोई बता रहा था कि 2700 केजी का सीजर हुआ था और उसके बाद में ये 4500 केजी का ये सीजर हुआ है। इसमें जो हमारी जो टीम है ये सवाई सिंह SHO ग्रामीण जो वार्ड में है उनके नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और उसमें जो चुनिंदा जो हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़े हैं, इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से मादक पदार्थों की तस्करी में ये जो गैंग्स हैं वो कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई है, कई बार पुलिस के वाहनों के साथ इन्होंने टक्कर भी लगाई है, काफ़ी बार पीछा भी हुआ है, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए और पूरी सतर्कता से सूझबूझ से और हमारी पूरी जो टेक्निकल टीम है उसने भी पूरा सपोर्ट करते हुए इसको कामयाबी के मुकाम तक इसको लेकर के आया है। डेफिनेटली इस कार्रवाई से एक संदेश जाएगा कि जो भी मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त गिरोह हैं वो अब दूर नहीं है कि हमारी पुलिस की पकड़ से वो बच पाए और फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस के लिए जोधपुर रेंज के सभी पुलिस अधिकारीगण हमारे कॉन्स्टेबल से लेके ऊपर तक सब रैंक कटिबद्ध है कि फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हो, साथ ही जो भी मादक पदार्थों की तस्करी में सप्लायर की जो चेन है उसके ऊपर भी विशेष काम किया जाएगा और रिसीवर कौन है वहाँ की चेन तक भी हम इसको जोड़ेंगे, दोनों तरफ से इसके अंदर काम किया जाएगा और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता पूरी बनी रहे इसके लिए मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करूँगा और उस टीम के माध्यम से हर चीज़ के ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी और कहीं पर भी यदि कोई लिंक है तो उसको पूरा खंगाला जाएगा, डीप इन्वेस्टिगेशन होगा ताकि कोई भी इसका सूत्रधार इसमें बच नहीं पाए, चाहे वो किसी भी चैनल पे किसी भी स्टेज के ऊपर बैठा हुआ हो। इसलिए इसकी अनुसंधान के लिए एक विशेष टीम का गठन भी हम आज ही मैं घोषित करूँगा, पूरी तह तक इसमें जाएंगे, पूरी तह तक इसके अंदर जाएंगे कि चाहे कोई भी हो इतने बड़े केस के अंदर जो है पूरी डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें हम करेंगे और हमारी लेवल के ऊपर जो हमारे जो पुलिस कर्मी और अधिकारी इसमें शामिल है
इनमें मेरी तरफ से मैं 2100 रुपये टीम लीडर को, बाकी सारी टीम को 501 रुपये का इनाम मेरी तरफ से घोषित करता हूँ। जो भी हमारी टीम है उसका रिवॉर्ड वो जो बना कर ये देंगे, और पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी इस टीम को हम सम्मानित करने के लिए पूरा प्रयास करें। मेरी लेवल से है ये 2100 रुपये टीम लीडर को, और 501 पूरी जो भी सदस्य इस टीम में हैं उनको आज ही अभी ऑर्डर जारी होगा और आज ही हम उनको पुरस्कृत करें। थैंक यू।